पृष्ठ 107, पाठ 21। हलीम चला चांद पर। रचनाकार C.N. सुब्रमण्यम। एकलव्य। हलीम ने एक दिन सोचा, आज मैं चांद पर जाऊंगा। वह रॉकेट के कारखाने में गया और एक रॉकेट पर बैठकर चल दिया। पृष्ठ 108। चलते चलते अंधेरा हो गया। हलीम को डर लगने लगा। उसको तो चांद तक का रास्ता पता नहीं था। थोड़ी देर में उसने चांद देखा और वह खुश हो गया। पृष्ठ 109। चांद पर हलीम को खूब सारे गड्ढे दिखे और बड़े बड़े पहाड़ भी, लेकिन वहां कोई पेड़ या जानवर नहीं थे, लोग भी नहीं। हलीम ने सोचा, ये भी कोई जगह है, चलो वापिस घर चलें। वह रॉकेट में बैठकर घर लौट आया। पृष्ठ 110। अभ्यास। रास्ते में क्या देखा? हलीम को रास्ते में क्या क्या दिखा होगा? रिक्त स्थानों में भरो। कहाँ जाओगे? हलीम चांद पर जाना चाहता था। तुम कहाँ जाना चाहती हो और कैसे जाओगी? कहाँ, कैसे? पृष्ठ 111। अभ्यास। डर। हलीम को अंधेरे से डर लगता था। तुम्हें कब कब डर लगता है? रिक्त स्थानों में भरो। फिर तुम क्या करते हो? रिक्त स्थान में भरो। चांद और सूरज का चित्र बनाओ। आपको चांद और सूरज का चित्र बनाना है। इसी के साथ रिमझिम भाग 1 का 21वां पाठ यहाँ समाप्त हुआ। हलीम चला चांद पर। हलीम ने एक दिन सोचा, आज मैं चांद पर जाऊंगा। वह रॉकेट के कारखाने में गया और एक रॉकेट पर बैठकर चल दिया। चलते चलते अंधेरा हो गया। हलीम को डर लगने लगा। उसको तो चांद तक का रास्ता पता नहीं था। थोड़ी देर में उसने चांद देखा और वह खुश हो गया। आहा! चांद पर हलीम को खूब सारे गड्ढे दिखे और बड़े बड़े पहाड़ भी, लेकिन वहां कोई पेड़ या जानवर नहीं थे, लोग भी नहीं। हलीम ने सोचा, ये भी कोई जगह है।
चलो वापस घर चलें। वह रॉकेट में बैठकर घर लौट आया। हलीम चला चांद पर। तो बच्चों, हलीम ने सोचा कि वह चांद पे जाएगा। आप में से बहुत सारे बच्चे भी चांद पे जाना चाहते होंगे, जानना चाहते होंगे कि आखिर चांद पर क्या है। आपने कई सारे ऐसे वैज्ञानिकों के नाम भी सुने होंगे जो चांद पर गए थे। क्या आपको पता है चांद पर जाने वाला पहला आदमी कौन था? उसका नाम कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। तो यहाँ पर हलीम सोचता है कि आज मैं चांद पे जाऊँगा, और उसके बाद वो रॉकेट के कारखाने में जाता है। एक रॉकेट पर बैठकर वो चला जाता है चांद पर। चलते चलते अंधेरा हो जाता है। हलीम को डर लगने लगता है। उसको तो चांद तक का रास्ता पता ही नहीं था बच्चों। थोड़ी देर में उसने चांद देखा और वह खुश हो गया। अब चांद पर हलीम को बहुत सारे गड्ढे दिखाई दिए, बड़े बड़े पहाड़ भी, लेकिन वहाँ कोई पेड़ या जानवर नहीं थे, लोग भी नहीं। हलीम ने सोचा ये भी कोई जगह है, मतलब ना तो यहाँ पर कोई पेड़ पौधे हैं, ना ही कोई जानवर है। फिर हलीम सोचता है चलो वापस घर चलें, और वो अपनी रॉकेट में बैठकर घर लौट आया। आप में से कई सारे बच्चे चांद पर जाना चाहते होंगे। आखिर चांद पे जाना हमारा सपना होता है। हम दूर से चांद को देखते हैं बच्चों, और सोचते हैं, इमेजिनेशन करते हैं कि आखिर चांद पर क्या होगा। अब बच्चों, यहाँ पर कुछ सवाल दिए हैं जो आपको इस अध्याय के आधार पे हल करने हैं। हलीम को रास्ते में क्या क्या दिखा होगा, आप सोचो और बताओ। हलीम जैसे जैसे ऊपर गया होगा, उसे रास्ते में बड़ी बड़ी इमारतें, बादल, हवाई जहाज, तारे, उपग्रह इत्यादि दिखाई दिए होंगे। यही सब दिखाई दिए होंगे ना बच्चों। आगे, हलीम चांद पर जाना चाहता था, तुम कहाँ जाना चाहती हो और वहाँ कैसे जाओगी? चलो देखते हैं, बादल पे जाना चाहते हो और वहाँ कैसे जाओगे? हवाई जहाज से जाओगे। पहाड़ों पे जाना चाहते थे, कैसे जाओगे? बस से जाओगे। नानी के यहाँ जाना है, कैसे जाओगे? बस से जाओगे। चलो बच्चों, इसे आप अपने जो अपने हिसाब से भर सकते हो, अलग अलग जगहों के नाम, और आप कैसे जाओगे, कैसे जाना पसंद करोगे, कैसे जाओगे, ये आप अपने खुद के रचनात्मकता से भर सकते हो। आगे चलते हैं। हलीम को अंधेरे से डर लगता है। बच्चों, क्या आपको भी कभी डर लगता है? आपको कब कब डर लगता है? जब घर में कोई ना हो और बिजली चली जाए तो मुझे डर लगता है। छिपकली को देखकर मुझे डर लगता है। रात को अकेले घूमने में डर लगता है। फिर जब डर लगता है तो बच्चों आप क्या करते हो? मैं तुरंत ही सारे घर में मोमबत्ती जला लेती हूँ। छिपकली दिखने पर तुरंत पापा को बुला लेती हूँ और वे उसे भगा देते हैं। बच्चों, ये सेक्शन आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। अगला सवाल है, चांद और सूरज का चित्र बनाओ। तो बच्चों, आप एक प्यारा सा चांद और एक सूरज का चित्र बना लेना। यहाँ पर मैंने एक चित्र आपकी सुविधा के लिए बना दिया है। आशा करती हूँ आपको लेसन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो बच्चों, और मैं आपके सारे कमेंट का जवाब देती हूँ। जल्दी ही मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेसन में, अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।